एनालिसिस करेंगे जी एंटरटेनमेंट स्टॉक के बारे में, देखेंगे जी एंटरटेनमेंट में हम लोग को क्या टारगेट देखने मिल सकता है, स्टॉक का सपोर्ट कहाँ पे, रेजिस्टेंस कहाँ पे। स्टॉक में देखा जाए तो आज के नो डाउट थोड़ा सा करेक्शन देखने मिल रहा है, और कुछ स्टॉक एम पैटर्न टाइप का हम लोग को पैटर्न बनाते हुए दिख रहा है, जो कि थोड़ा सा नेगेटिव पैटर्न होता है। स्टॉक ने क्लोज किया 187.85 रुपीज़ के पास। तो यहाँ से क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए स्टॉक में, बात करते हैं। नीचे की तरफ स्टॉक में सपोर्ट है 150 रुपीज़ का लेवल, क्योंकि जब ऊपर की तरफ से 300 रुपीज़ के पास के से हम लोग को नीचे की तरफ फॉल देखने मिला था, स्टॉक 150 रुपीज़ के पास से एक अच्छा हम लोग को ऊपर की तरफ बाउंस बैक दिखाया। तो जब तक स्टॉक 150 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा, कोई दिक्कत की बात नहीं, किसी को फ्रेश बैंक करना, तो यहाँ से अगर 3-4 रुपये नीचे की तरफ और फॉल देखने मिले तो बेटर प्लेस मिलेगा नीचे की तरफ और क्वान्टिटी ऐड करने का। लेकिन स्टॉप लॉस ध्यान रखेंगे जो कि 150 रुपये के पास होना चाहिए, क्योंकि स्टॉक अगर 150 रुपये के नीचे निकलेगा, स्टॉक अराउंड नीचे के हम लोग को फिर से 100 रुपीज़ तक का भी लेवल टच करते हुए दिखा सकता है। इसे स्टॉक का मेजर सपोर्ट 150 रुपये का लेवल, ऊपर का टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे 200 रुपये के ऊपर। तो यहाँ से जब भी डेली चार्ट पर हम लोग को 200 रुपये के ऊपर कोई कैंडल क्लोज होते दिखेगा तो स्टॉक में शॉर्ट टर्म हिसाब से टारगेट देखने मिल सकता है 250 से लेके अराउंड 300 रुपये तक का, और लॉन्ग टर्म हिसाब से स्टॉक हम लोग को 500 रुपीज़ तक का भी टारगेट ऊपर की तरफ दिखा सकता है। तो कोई फ्रेश बाइंग करना चाहता है तो 200 रुपये के ऊपर का ब्रेकआउट का वेट करेगा, किसी ने ऑलरेडी बाई कर रखा है तो होल्ड करके रखेगा फॉर द टारगेट ऑफ 250 से लेकर 300 रुपीज़ तक का, स्टॉप लॉस आएंगे 150 रुपीज़ के पास। तब तक के लिए इतना इस वीडियो में, वीडियो अच्छा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।